मिशन शक्ति अभियान की जिले की नोडल अधिकारी मनीषा त्रिघाटिया ने रविवार को जनपद के एकमात्र महिला थाने का औचक निरीक्षण किया। महिला थाने पर पहुंचने पर राजस्व परिषद के आयुक्त व जिले के शक्ति मिशन अभियान के नोडल अधिकारी मनीषा त्रिघाटिया गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तत्पश्चात नोडल अधिकारी ने थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा कहा कि थाने में आने वाली सभी पीड़ित महिलाओं से सहानुभूतिपूर्वक बात की जाए तथा समय से ही उनके समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए। इस दौरान नोडल अधिकारी ने थाने की महिला हेल्प डेस्क आगंतुक रजिस्टर का भी अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, महिला थाने की प्रभारी अर्चना सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए शक्ति मिशन अभियान के नोडल अधिकारी मनीषा त्रिघाटिया ने कहा, बात भी सुझी थी उसकी माँ जो है जो ठीक है।
व्यवस्था देखी हमने और केसेस का निस्तारण देखा है और यहाँ कैसे केसेस को हैंडल किया जाता है, कितनी त्वरित गति से काम किया जाता है, वो थोड़ा एक स्नैपशॉट हमारे को दिखा है और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जल्द से जल्द और ज़्यादा सेंसिटिविटी से काम करें। मैडम अभी देखेंगे जो पहले अपराध के महिलाओं पर और अब में कितना अंतर कुछ कमी आया है? देखिए ये तो प्रक्रिया है, अंतर तभी आता है जब साथ के साथ इसका निस्तारण भी हो, जो उसके लिए इनको बता दिया गया है कि अपनी गति से ये काम करते रहें। हेल्पलाइन नंबर देना था महिलाओं सुरक्षा के लिए जारी, हाँ, इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या हो रहा है? इनको कहा गया है कि महिला हेल्पलाइन के लिए वहाँ पे लगाएं, ज़्यादा ज़्यादा साइनेज लगाएं तो इसकी अवेयरनेस बढ़े। बस कई बार होता है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से कोई चाहता भी है रीच आउट करना तो वो नहीं मिल पाता, तो फ़ोन नंबर अगर हर लड़की के पास होगा तो एटलीस्ट वो कंप्लेंट लिखाने लायक या बताने लायक तो होगी। महिलाएं हैं इस तरह की जो घरेलू हिंसा शिकार हैं और पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? यहाँ पे पूरी व्यवस्था है उसका, मीडिएशन के लिए, कंसिलिएशन के लिए, और यहाँ पे अभी लोग बैठे भी हैं तो काम चल रहा है, तो साथ साथ अगर निपटाते रहेंगे केसेस को तो इसी हिसाब से तो फिर उससे फ़र्क पड़ेगा।